हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अलसी के लड्डू बहुत आसान तरीके से। तो आइए बनाते हैं। तो इसके लिए मैं लूँगी 1 कटोरी अलसी, 1 कटोरी गुड़, 1 कटोरी आटा, कुछ कटे हुए काजू और सौंफ, और साथ में किशमिश, और मैं लूँगी हरी इलायची, तो 4 से 5 इलायची मैं लूँगी, तरबूजे के बीज तो आप देख सकते हैं, और साथ में मैं लूँगी कुछ बादाम और देसी घी। अब जो है मैं एक पैन लूँगी, पैन को गर्म करके मैं डालूँगी उसमें अलसी और उसको साथ साथ चलाऊँगी। अलसी सिर्फ 1 मिनट तक चलाना है, क्योंकि जब ये फूटना शुरू हो जाए तो आप गैस जो है बंद कर सकते हैं। और अब मैं इसको कर दूँगी साइड। अलसी को मैंने जो है अलग निकाल लिया है, और अब मैं डालूँगी एक पैन में जो 1 कटोरी मैंने आपको देसी घी बताया था, 1 कटोरी देसी घी, और साथ में डालूँगी आटा। और इनको जो है मुझे दोनों को अच्छे से बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। जब आटे की जो पकने की खुशबू है वो आने लग जाए, तब तक मैं इसको जो है ऐसे ही चलाते रहूँगी बढ़िया तरीके से। और इसका हल्का सा, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन शेड आ जाए इसमें, बस इसको करके, और मैं इसे गैस बंद करके साइड में जो है रख दूँगी। ये देख सकते हैं अब अलसी, अलसी को जो है मुझे ग्राइंड करना है, इसमें सौंफ और हरी इलायची के बीज डाल के जो है ग्राइंड कर लूँगी। ये जो ड्राई फ्रूट है मैंने लिया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और ये जो गुड़ आप देख सकते हैं मैंने इसे कूट लिया है, इतना जो है इसमें लगभग गुड़ डलेगा। और अभी जो अलसी का देखिए पाउडर जो है मैंने कर लिया है उसको ग्राइंड करके अच्छे से, और अब मैं इसमें जो है ड्राई फ्रूट सारे चॉप करे हुए अच्छे से डालूँगी और इसमें मिक्स कर दूँगी बढ़िया तरीके से। अब मैं इसमें डालूँगी जो आटा और घी जो मैंने एक मिक्सचर बनाया था, वो डाल के इसको जो है मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। और साइड बाय साइड जो है मैंने, देख सकते हैं आप, गुड़ को जो है पिघलाने के लिए रख दिया है, और इधर मैं अलसी का जो पाउडर था और साथ में ड्राई फ्रूट, उनको अच्छे से जो है आटे के साथ जो है मैं मिक्स कर रही हूँ। अब जो मेरा गुड़ है पिघल के बढ़िया सा रेडी हो गया, तैयार हो गया, तो अब मैं सारा गुड़ जो है मेल्ट किया हुआ उसमें डाल दूँगी, और थोड़ी देर तक जो है मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी ताकि बढ़िया से गर्म जो गुड़ है इसमें मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, और फिर हम इसके बनाएंगे लड्डू। और ठंडा होने तक का बहुत का वेट नहीं करना है, तो इसलिए मैं पानी ले रही हूँ ताकि गर्म में जो है लड्डू अच्छे से बढ़िया से बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से जो है लड्डू मैं बना करके सब रेडी कर दिए हैं। ये देखिए सब लड्डू जो है रेडी हो गए हैं। आप ठंड में एक लड्डू डेली खा सकते हैं, बहुत ही जो है हेल्दी होता है ये। तो आप बनाएं और मुझे बताएं कैसे बने हैं लड्डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।